गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज माय नेम इज अभियुदा मिश्रा। आज हम लोग स्टेरिक क्लीन का डेमो करेंगे। देखिए, स्टेरिक क्लीन का डेमो करने के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि स्टेरिक क्लीन में क्यों करना चाहिए, इसका यूज सब घर में क्यों होना चाहिए। WHO कहता है कि 5% BKC वाले भी डिस इन्फेक्टेड प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए हमें डिस क्लीन करने के लिए, या कोई भी चीज़ साफ सफाई करने के लिए, फ्लोर क्लीन साफ करने के लिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया को मारता है। अब जो ये हमारा मोदी क्लीन है, आपका स्टेरिक क्लीन है, इसमें 12% से भी ज़्यादा BKC पाया जाता है। इसका मतलब कि ये WHO के मानकों से भी ऊपर है और ये बहुत अच्छा काम करता है। कैसे करता है उसका एक आपको आज डेमो कर दिखाएंगे। देखिए, 2 गिलास हमने लिया हुआ है, मैं एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ। एक मैं इसमें पानी, पीने वाला पानी मैं डाल दिया, थोड़ा पानी मैंने इसमें डाला, थोड़ा पानी मैंने इसमें डाला। अब देखिए, दोनों पानी को मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा बैक्टीरिया डालूँगा। ये उजाला ही क्यों डालते हैं, डालिए इसमें उजाला ही क्यों डालते हैं, क्योंकि उजाला में आपका बैक्टीरिया होता है, उसमें नीला रंग नहीं होता है। बैक्टीरिया होने के कारण ही वो नीला दिखाई देता है, मतलब वो बैक्टीरिया होता है। तो ये हमारा बैक्टीरिया क्रिएट हो गया। अब फ्लोर पे क्या होते हैं, चींटियाँ चलती हैं, कॉकरोच चलते हैं, छिपकलियाँ चलती हैं, तो बच्चे भी खेलते रहते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए, ये हमने क्या किया, ये हम क्या करते हैं, इसको दोनों को एक में मिक्सअप कर देते हैं, ताकि ये रहे कि हाँ दोनों में बराबर क्वांटिटी में हमने काम करता है। अब देखिए, 1 गिलास में हम डालेंगे स्टेरिक क्लीन, ये हमारे स्टेरिक क्लीन में डालेंगे, और 1 गिलास में हम डालेंगे मार्केट का, ये ठीक है। और देखिए कैसे करते हैं, ये मार्केट का हम डालते हैं थोड़ा, देखिए मार्केट में मैं आधा लगभग दिख रहा है कितना क्वांटिटी मैंने डाला, ये क्वांटिटी आपको दिख गया हो कितना ज़्यादा मैंने क्वांटिटी में डाला। और अब देखते हैं, अब मैं स्टेरिक क्लीन डालता हूँ, कितना थोड़ा डालूंगा अभी देखेंगे, बस ज़रा सा स्टेरिक क्लीन। ये आप काउंट भी कर सकते हैं मैंने कितने ड्रॉप्स डाले हैं, आप ये काउंट कर सकते हैं। ये अब आप देखते हैं, बस मैं देखते ही क्या कर रहा है ये। अब मैं दोनों को क्या करूँगा, बराबरी वजह से इसको मिक्सअप करूँगा। आप देख सकते हैं ये और गंदा करता गया। हम लोग दिमाग में होता है कि जो ये फिनाइल महकता है वो ज़्यादा काम करता है। असर आपके सामने, इसने क्या किया, ये साफ नहीं किया, आप देख सकते हैं ये क्या किया, साफ नहीं किया और गंदा आपको दिख रहा होगा, यानी कि फ्लोर हमारा साफ नहीं होगा। फिनाइल कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्यों, फिनाइल हवा के संपर्क में आकर के और भी दूषित हो जाती है, वो और भी दूषित हो जाती है। अब आप यहीं इसको देख सकते हैं, अब दोनों में आप कंपेरिजन कर सकते हैं कौन आपके लिए बेहतर होगा। यही नहीं, आपको मैं बता दूं, ये 8 से 10 घंटे तक कारगर होता है। ऐसा तो नहीं है कि एक बार मेहमान आए गए तो फिर हमारा साफ है तो काम चलेगा, नहीं, ये 8 से 10 घंटे तक इसी तरह से जर्म्स क्लीन करता रहता है। तो ये सभी घर में होना चाहिए स्टेरिक क्लीन का। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं अगले डेमो में। बहुत बहुत धन्यवाद।